प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, नवजात शिशुओं के साथ साथ आमजन की स्वास्थ्य की देखभाल में दिन रात काम कर रही प्रदेश की आशा उषा पर्यवेक्षकों के प्रति प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का रवैया बेहद खराब रहा है। प्रदेश को हजारों आशा कार्य केवल 2000 रुपए मासिक का बेहद अल्प वेतन में काम करने के लिए है, वे भी केंद्र सरकार द्वारा देव है। अन्य राज्य सरकारें आशा एवं पर्यवेक्षकों को अपनी तरफ से और अतिरिक्त वेतन देकर राहत पहुंचा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पिछले 16 वर्षों से अपनी ओर से आशा और पर्यवेक्षकों को कुछ भी नहीं दे रही है। सरकार के इस रवैये से प्रदेश की आशा उषा एवं पर्यवेक्षक बेहद आहत है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ न्यायपूर्ण वेतन की मांग को लेकर प्रदेश की आशा उषा पर्यवेक्षक लगातार संघर्ष में है, लेकिन सरकार उनकी न्यायपूर्ण मांग की लगातार अनदेखी कर रही है। प्रदेश के बजट से और कर्ज लेकर भी विभिन्न मदों में हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करने वाली राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के अभियान में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा उषा पर्यवेक्षकों के परिवार की जिंदगी का लगातार उपेक्षा कर रही है। आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर चल रहा है? ये आशाएं लगातार वर्षों से लड़ रही है और ये सरकार से एक ही मांग थी कि ये जो आशा सहयोगी हैं उनको 15,000 रुपये और आशाओं को 10,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए, और ये हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में ये आशाओं को इस तरीके के वेतन मान दे भी दिए गए हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इनकी मांगों की अवहेलना कर रही है। इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम धरना आंदोलन वगैरह वगैरह की, और अभी ये आर पार की लड़ाई का फैसला लिया यूनियन ने, और ये आज से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर पूरे मध्य प्रदेश की आशा सहयोगी और आशाएं चली गई। इनसे क्या क्या चीजें प्रभावित हो जाएंगे काम? ये एएनएम से ज्यादा काम करती हैं, स्वास्थ्य विभाग पर ये इनके काम नहीं करने से बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आशाओं के बिना ये स्वास्थ्य विभाग को पंगु होकर रह जाएगा, क्योंकि अधिकांश काम यही आशाएं करती हैं, चाहे वो एनीमिया से पीड़ित महिलाएं उनका सर्वे करने का सवाल हो, चाहे जो अन्य प्रकार के सर्वे जो स्वास्थ्य से संबंधित है वो तो सभी इन आशाओं के जरिए किया जाता है, तो ये तमाम स्वास्थ्य विभाग की योजना है वो पूरी ठप होकर रह जाएगी।